नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बच्चे, इस समय आपको मालूम है वसई विरार महानगर पालिका में काफी चर्चाएं हैं, अलग अलग चीजों की चर्चाएं हैं। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं बैनरबाजी की। बैनरबाजी किस तरह से वसई विरार में होती है और आज तक जो बैनरबाजी दिखाई थी वो बैनरबाजी पार्टियों द्वारा की जाती है, लेकिन अभी अध्यक्ष बैनरबाजी भी हुई है। और अध्यक्ष बैनरबाजी की हम बात करेंगे, इसके पहले आपको हम दिखा दें, हमारे पीछे एक जाहिर निषेध का बड़ा है बैनर लगा हुआ है। महानगर पालिका प्रभाग समिति एच के तले हम खड़े हैं और ये जाहिर निषेध का बैनर यहाँ लगा हुआ है। ऐसा ही बैनर महानगर पालिका मुख्यालय में लगा था और इसके पीछे का कारण था कि शुक्रवार को जो घटना हुई महानगर पालिका मुख्यालय में, आगरी सेना के पदाधिकारियों द्वारा महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उसको लेकर महानगर पालिका ने अपना निषेध प्रदर्शन किया। कल पूरा दिन, सोमवार के दिन महानगर पालिका ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना प्रशासन में कामकाज किया था और उसका ऐलान उन्होंने शुक्रवार को ही एक मीटिंग में किया था। और जाहिर सी बात है कि ये जो बैनर लगा है, ये बैनर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि महानगर पालिका द्वारा लगवाया गया है, क्योंकि इसमें महानगर पालिका का वर्णन किया गया, महानगर पालिका का नाम लिखा हुआ है। ऐसा ही बैनर महानगर पालिका प्रभाग समिति मुख्यालय में भी देखा गया और इतर प्रभाग समिति में होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन जो हम बोल रहे थे अध्यक्ष बैनर, तो अध्यक्ष बैनर यानी कि वसई और नाला सुपारा में आप शहर में निकलोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोल पर तो कई सारे छोटे छोटे बैनर दिखाई दे जाएंगे और उस बैनर की कुछ तस्वीरें विजुअल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उस बैनर पर डायरेक्ट कहीं वसई विरार महानगर पालिका का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा, जाहिर निषेध वसई विरार महानगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी याना शिवगाड़ी करून दमदाटी करने जीवे मारने की धमकी दे धनाड़े का दहशत निर्माण करने रहा कैलाश पाटिल व त्याचा गांव पिंड टोलीरा समस्त वसई कर नागरिक तरफ जाहिर निषेध। यह अध्यक्ष बैनर जिसने लगाया है, ये समस्त वसई कर नागरिक कौन है ये सवाल है। अगर ये बैनर महानगर पालिका ने ही लगवाया तो उन्होंने समस्त वसई कर क्यों लिखा, ये सवाल है। अगर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं लगाए गए तो ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बैनर के ऊपर, न किसी पार्टी, न किसी सामाजिक संस्था, न ही किसी बैनर तले किसी भी नाम का इसमें जिक्र किया और बैनर लगाया। कैलाश पाटिल ने जो कुछ किया उसका हमने उस दिन भी जो खबर बनाई थी, हमने उसको गलत ठहराया, वो गलत है, गलत ही रहेगा कैलाश पाटिल ने जो हरकत की। लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका का रवैया है वो भी आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। और अब इस तरह से बैनरबाजी, तो क्या हम ये समझे कि इस प्रशासकीय राज में एक तरफ जहां राजनीति करते हैं, पार्टियां राजनीति करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या प्रशासन भी राजनीति कर रहा है? तो ये एक सवाल बड़ा है। अब यही सवाल है कि जो छोटे छोटे बैनर हर एक पोल पे लगे हैं, इन बैनर को लगाने वाला आखिर कौन? तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं होकर अलग ही एक तूल पकड़ रहा है। इस मामले में सीधा से तरीका यह था कि महानगर पालिका अधिकारी जिनको पावर है वो चाहते पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाते और अग्निसेना पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये बैनरबाजी करके हाथ पर काली पट्टी बांधकर वो निषेध कर रहे हैं। यानी कि जो उनके हाथ में है वो नहीं कर रहे। आमतौर पर अगर कोई छोटा मोटा इंसान महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी से बात करने में भी अगर ऊंची आवाज थोड़ी कर ले तो उसके ऊपर सरकारी काम में बाधा का केस डाल दिया जाता है। लेकिन उस दिन इतनी बड़ी घटना हुई, उसको लाइव वीडियो सभी ने देखे है, उसके बावजूद उन्होंने वो शिकायत नहीं की और सिर्फ दोनों तरफ से स्टंटबाजी जारी है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र किस हद तक पहुंच रहा है यह आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, हमें ज्वाइन बटन दबाइए, हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।